हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं धनिया राइस की रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रिक्वेस्ट के साथ हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है धनिया के पत्ते, जिसे हमें धोकर के इस्तेमाल करना है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन हमने ले रखा है। तो इन सब चीजों को हम ग्राइंड करके इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। धनिया का पेस्ट बनाते वक्त हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक गिलास हमने चावल ले रखा है, धनिया का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ हमारे पास है करी पत्ता, जीरा, दालचीनी, लौंग और इलायची हम इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए। प्याज को हमने बारीक काट लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने ले रखे हैं। सबसे पहले हमें कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल ऐड कर लेना है। जब ये तेल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर हल्का सा जीरा ऐड करके देख लेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हमने इसके अंदर जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी इन सबको हमने ऐड कर दिया है। हरी मिर्च भी हमने ऐड कर देना है और अब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए प्याज और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर लेना मूंगफली। इन सबको ऐड करने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छे से पका लेना है। मूंगफली के दाने जैसे ही पक जाएंगे, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया का पेस्ट। धनिया का पेस्ट ऐड करके हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। हमने इसके अंदर कोई भी मसाला जो है वो ऐड नहीं किया है। अगर आप इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर और साथ ही इसके अंदर आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा जो मसाले हैं वो नहीं ऐड किए हैं। इसी पेस्ट को पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस को, जो हमने एक गिलास चावल जो ले रखा था उसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। कुकर के अंदर राइस को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। एक गिलास चावल के अंदर हम ऐड करेंगे दो गिलास पानी। इसके बाद हमने कुकर को बंद कर देना है और धीमी आंच पे हम पकाएंगे। अगर आप धीमी आंच पे चावल को पका रहे हैं तो एक सीटी लगने के बाद गैस को बंद कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे चावल को पका रहे हैं तो आपको दो सीटी लगने के बाद गैस को बंद करना होगा। जैसे ही चावल ठंडा हो जाएगा, कुकर ठंडा हो जाएगा, तब आपको कुकर खोलना है।
2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब भी आप ढक्कन लगाएं तो हमेशा रबड़ को और सीटी को बहुत ही अच्छे से धो लें। इसके बाद ही आप कुकर का जो ढक्कन है वो बंद करें ताकि जो सीटी है वो बहुत ही अच्छे से लग पाए। धीमी आंच पे चावल को पकाने के बाद हमने कुकर के ढक्कन को खोल दिया है। इसको ठंडा होने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।